अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर है और वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम KPPMA स्क्रीनिंग पेपर जोन 1 2017 का पार्ट 2 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। और इसके अलावा अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि चाहते हैं कि एक ही व्यू में पूरे के पूरे पेपर के वीडियो को देखें, तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है जो कि बगैर पार्ट्स में है। बगैर पार्ट्स में पूरी की पूरी वीडियो है। और अगर आप पार्ट्स में देखना चाहते हैं तो ये पार्ट 2 है, जिसमें हम 21 से लेके 40 तक MCQs करेंगे और ये इंग्लिश के MCQs होंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। नंबर 21, विच वन ऑफ द ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द फ्रेज लिकिंग द डस्ट? ए रिब्यूक, बी फूड पॉइजनिंग, सी ह्यूमिलिएशन। देन लिकिंग द डस्ट का मतलब होता है शर्मिंदगी उठाना। यानी मैं आपको इसका सेंटेंस बताता हूँ। यू विल नेवर लिक द डस्ट अनलेस यू गिव अप। मतलब आप अगर गिव अप नहीं करेंगे तो आपको कभी शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ेगी। इसमें जो ऑप्शन ए है रिब्यूक, रिब्यू का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज शार्पली। और तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये सही ऑप्शन है, ह्यूमिलिएशन। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। लग्जूरियस लाइफ सजेस्ट अ लाइफ ऑफ ए एक्सीडिंग कम्फर्ट्स, बी एक्स्ट्रावेजेंस, थ्री सी थ्रिफ्ट और डी है ये प्रूडेंस। अच्छा एक सेकेंड, एक्सीडिंग कम्फर्ट्स तो आपको पता ही है। इसमें ऑप्शन बी है एक्स्ट्रावेजेंस। एक्स्ट्रावेजेंस का मतलब होता है किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा पैसे लगे हों, और मतलब बहुत ज़्यादा उस पर रिसोर्सेज लगे हों, बहुत ज़्यादा मेहनत हुई हो। तो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैं आपको रोल्स रॉयस गाड़ी की दे सकता हूँ। आपको पता ही होगा रोल्स रॉयस गाड़ी के कि वो बम्पर से लेके फ्रंट बम्पर से बैक बम्पर तक टायर एक एक चीज़ वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ना सिर्फ मतलब वो पायदार भी होती है, खूबसूरत भी होती है, मतलब वो बिल्कुल कुछ भी उसमें कमी वगैरह कुछ नहीं होता। तो दूसरा है सी थ्रिफ्ट। सी थ्रिफ्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को केयरफुली तरीके से मैनेज करना। और डी है प्रूडेंस। प्रूडेंस इसको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई रिसोर्सेज हो उनको आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो इसको कहते हैं प्रूडेंस। उस बंदे को जो कि अच्छी तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगा उसको कहते हैं प्रूडेंट। तो इसमें जो ऑप्शन है जो सही है वो है ऑप्शन बी एक्स्ट्रा वेजेंस। फिर है क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। द वर्ड्स प्लंडर एंड प्लंज आर ए समवट सिमिलर, बी द सेम, नॉट रिलेटेड, अपोजिट। अच्छा प्लंडर का मतलब होता है लूटमार, स्पेशली इन टाइम्स ऑफ जो वॉर या फिर सिविल डिसऑर्डर जो होता है उस टाइम पे जो लूटमार करता है। और प्लंज का मतलब होता है जंप और डाइव क्विकली। अब प्लंडर का मैं आपको बताता हूँ, वो अगर आप लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी हो, गेम ऑफ थ्रोन में स्टेनिस जब किंग्स लैंडिंग पे अटैक करता है तो उस टाइम पे टेरियन होता है, लॉर्ड वेरेस होता है और उसके साथ ब्रॉन होता है। वो जब वो बैठे होते हैं प्लान बना रहे होते हैं डिफेंस के लिए ना, तो उस टाइम वो एक बंदा आता है तो वो लॉर्ड वेरेस तारीफ करता है ब्रॉन की कि इसने जो है ना सिटी में जो है ना चोरी बहुत कम हो गई है। तो वो बताता है कि भाई मैंने इसलिए किया है क्योंकि होता ही है कि जब जब जंग होती है या बैटल होती है तो उस टाइम पे जो है ना जो दुकानें वगैरह सब कुछ बंद हो जाता है, उस टाइम पे ये चोर जो होते हैं वो चोरी कर लेते हैं। जब जंग शुरू हो जाती है, जब मतलब उस टाइम तो हालात बहुत ख़राब होते हैं, सब कुछ बंद होता है और जो है ना दुकानों में कुछ भी नहीं होता, उस टाइम पे जो औरतें होती हैं, जो नोबल औरतें होती हैं, वो अपना गोल्ड भी बेच लेती हैं सिर्फ एक टाइम पे खाना, एक टाइम के खाना खाने के लिए और जो है ना अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए। तो ऐसे टाइम पे वो चोरी कर लेते हैं और बाद में फिर वो बेचते हैं, गोल्ड लेते हैं उससे। तो जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा एंड में सबसे ज़्यादा रिच कौन होंगे? यही जिन्होंने चोरियाँ की होंगी। तो ये आपको मैं बता रहा था। तो ये वैसे ये प्लंडर और प्लंज वर्ड्स हैं, ये नॉट रिलेटेड है।
इसके बाद है नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट द मीनिंग ऑफ डिफाई। तो ऑप्शन ए डिसोबे, अडोर, अपोज और डिफाई। ये जो डिफाई है इसका मतलब होता है वर्शिप और रिगार्ड एज गॉड, यानी किसी को इतना आइडलाइज करना है कि उसको गॉड तक मान लेना। तो अब इसकी एग्जांपल इस तरह है ना कि हमारे जो क्रिश्चियन दोस्त हैं वो आपको पता है वो ये बिलीव करते हैं कि जो हज़रत ईसा अलैहि सलाम हैं वो नऊज़ु बिल्लाह उनके जो है ना अल्लाह के बेटे हैं। तो हम जो मुसलमान हैं हम कहते हैं कि नहीं वो जो है ना अल्लाह के बेटे नहीं हैं, जिस तरह के सूरह इखलास में है ना कि न अल्लाह का कोई बेटा है न वो किसी के बेटे हैं। तो ये इसकी एग्जांपल है। इसके अलावा जो तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, एडोर, ऑप्शन बी। फिर उसके बाद है 25, रेड हैंडेड मीन्स। 25 में है रेड हैंडेड। रेड हैंड आपको पता ही है कि बहुत आसान है ये तो, इन दी एक्ट ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, जिस तरह के हम कहते हैं ना वो रंगे हाथों पकड़ा गया। उसके बाद है चूज द ऑप्शन नियरली अपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। 26, रिलिंक्विश। रिलिंक्विश का मतलब होता है वॉलंटरीली किसी चीज़ को, आज जो आपकी चीज़ है उसको, उस पे जो आपका क्लेम है उसको ख़त्म कर देना या गिव अप कर देना या अपनी किसी चीज़ को हैंड ओवर कर देना, इसको कहते हैं रिलिंक्विश। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ज़मीन है जो कि आपकी, जो कि आप क्लेम करते हैं कि वो आपकी है और आप उसको छोड़ दें कि यार ठीक है मुझे नहीं चाहिए। तो इसमें है ऑप्शन है रिट्रीट। रिट्रीट एक मिलिट्री टर्म है जिसको मतलब इस तरह होता है ना कि पीछे जाना और एक जगह इकट्ठे हो जाना। आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा उसमें कहते हैं ना कि हम यहाँ पे रिट्रीट करेंगे, तो रिट्रीट ये होता है। इसके बाद है बी वेरीफाइड, सी स्टिक टू। स्टिक टू इसमें सही ऑप्शन है। जिस तरह रिलिंक्विश का मतलब होता है ना कि गिव अप कर देना, स्टिक टू का मतलब होता है कि मतलब उसको गिव अप नहीं करना, उस पर अपनी उस पर कायम रहना। जिस तरह हम कहते हैं ना कि ही स्टिक्स टू हिज ऑल ही ऑलवेज स्टिक्स टू हिज वर्ड्स। नंबर 27 है परसुएड। परसुएड का मतलब होता है किसी को किसी काम करने पे राजी करना या मनाना। तो ऑप्शन ए कम्युनिकेट, फोर्स, बी मैन्युफैक्चर सेंसलेस। तो इसमें ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक और हेटरेट। जिस तरह हमने एमसीक्यूज पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, एमसीक्यू ये कैद आजम माना था हाँ, और नंबर 9 कैद आजम डिटेस्टेड इनजस्टिस, इसका है अवार्ड। डिटेस्टेड हमने पढ़ा था ना कि मतलब उसको डिसलाइक करना, तो ये भी वही चीज़ है। और हम कौन से 29 में हम थे, ये तो इसके ऑपोजिट क्या होंगे, लवेबल। उसके बाद है ब्रूट। ब्रूट जिस तरह ब्रूटल से निकला है, ब्रूटल जालिम, जालिमाना, और ए इसका जो सही ऑप्शन है हम्बल। हम्बल मॉडेस्ट एक ही बात है। 30 या अर्क, इसका मतलब होता है इरिटेट होना, एनॉय होना। और ऑप्शन ए प्राय। प्राय का मतलब होता है कि किसी के मामले में इंटरफेयर करना, प्राइवेट मामले में इंटरफेयर करना, या जब ऐसे लोगों को हम कहते हैं ना कि माइंड योर ओन बिजनेस, तो प्राय वो चीज़ है। इसके बाद है टिंज। टिंज उसको कहते हैं कि दाग को भी कह सकते हैं, या आपके कपड़ों पे या कलर का जो शेड होता है उसमें डिफरेंस होना, या किसी चीज़ का जाहिर होना या डिफरेंस होना। इसका सेंटेंस आपको सही समझ आएगी, देयर वॉज अ ह्यूज टिंज ऑफ सैडनेस इन हर वॉइस। उसके बाद है सोध। सोध का मतलब होता है काम होना, क्वाइट होना, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि सोध हिम विद अ ग्लास ऑफ वाटर, एक बंदे को गुस्सा है वो उसको जो है ना पानी देखो, उसको काम करो। और बिगवाइल। बिगवाइल का मतलब होता है टू चार्म, अट्रैक्ट और प्लीज समवन इन अ डिसेप्टिव वे।
तो इर का हमने मतलब क्या बताया, अनॉय कहा था ना, अनॉय। गॉयल का मतलब क्या बताया, टू प्लीज या चार्म या अट्रैक्ट। तो ये आपस में अपोजिट्स हैं, ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। इसके बाद है नंबर 31, चूज द वर्ड इन द फ्रेज नियरेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। एब्रप्ट, एब्रप्ट का तो बहुत आसान है, इसका मतलब है सडन। 32, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है अनसर्टिनिटी, यानी एक कोई चीज़ हो उसके बहुत सारी मीनिंग्स हो। कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है ट्रूथफुल या स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसी तरह फ्रैंक जो है, फ्रैंक का भी यही मतलब है। फिर है इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि बेसिक या नेचुरल। फिर हम आते हैं ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस का मतलब होता है सोशियबल। फिर जाते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। अच्छा, ही बिकेम एडिक्टेड डैश ड्रग्स एट क्वाइट एन अर्ली एज, तो इसमें है एडिक्टेड टू ड्रग्स। फिर है नंबर 37, माई फादर विल नेवर असेंड डैश माई होल स्पेंडिंग अब्रॉड बिफोर आई एम 16। तो माई फादर विल नेवर असेंट टू है, एक जगह पे मैंने देखा था उन्होंने सी किया हुआ था, ऑप्शन सी जो कि विद है, माई फादर विल नेवर असेंट विद, तो ये गलत है, असेंट विद नहीं है, असेंट टू है। इसी तरह 38 में आते हैं, ही डिसाइडेड टू ब्रेक डैश फ्रॉम द पार्टी एंड सीक री इलेक्शन एज एन इंडिपेंडेंट, तो उसमें आसान है बहुत, ब्रेक अवे, ऑप्शन बी सही है। 39, व्हेन ब्रिटेन एडॉप्टेड द डेसिमल सिस्टम फॉर इट्स मनी इट डैश रिलेटिवली स्मूथली, तो इसमें है चेंज्ड ओवर, ये भी आपने याद रखना है, मैंने देखा था उन्होंने चेंज्ड इन किया हुआ था जो कि ऑप्शन डी है जो कि गलत है, चेंज्ड ओवर है। 40 पे आते हैं, कन्फ्रंटेड डैश द एविडेंस ऑफ हाफ अ विटनेस द एक्यूज ब्रोक डाउन एंड कन्फेस्ट, तो इसमें है ऑप्शन बी, कन्फ्रंटेड विद द एविडेंस। भाई हमारे 20 एमसीक्यूज पूरे हो गए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।